मकराना विधायक जाकिर हुसैन गेसावत ने धमकी देने के मामले में चमनपुरा स्थित अपने निवास स्थान पर प्रेस वार्ता की। गेसावत ने धमकी देने वाले आरोपी युवक को प्रशासन द्वारा वीआईपी ट्रीट देने का आरोप लगाया। गेसावत ने बताया कि 11 मार्च की सुबह उन्हें डिडवाना के कुडोली निवासी राजेंद्र चौधरी उर्फ राजू कुडोली ने फोन पर गाली गलौज की और मारपीट करने की धमकी दी। मुझे अरेस्ट किया नहीं किया, मैं भी एसपी साहब आ रहा हूं। क्या एमएलए साहब, वो हमने कल अरेस्ट कर लिया उसको और अभी हम पेश कर देंगे 151 में। मैंने कहा 151 क्यों करते हो, उसके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। ये इस तरह से ये मतलब धमकी दे रहा मारने की एक जनप्रतिनिधि को, 151 कैसे बंद करो? आप इसको शाम तो रोको, उसको मुकदमे में करो। एसएचओ बोला मेरे को ठीक है, मैं देखता हूँ रोकता हूँ। तो फिर मेरे मन में आई, मैंने पुलिस थाना मकराना में किसी अनोन को भेजा, मैंने कहा देख क्यों वो राजेंद्र चौधरी है नहीं वहाँ पे। वहाँ से पता चला वो थाने तो आए ही नहीं, वो सीधा ही मतलब वही तहसीलदार के पेश कर दिया। फिर मैंने तहसीलदार मैडम को फ़ोन किया, इस टीम तो है नहीं यहाँ पे, तहसीलदार को फ़ोन किया। मैंने कहा आपके पास कोई जमानत के लिए आया था क्या? तो तहसीलदार बोली एमएलए साहब मैं खुद घबरा गई, मैं लेडीज हूँ, रात को पुलिस वाले 11:30 बजे मुंजिम को लेके आते, आपके मकड़म परंपरा ये रात को मुंजिमों को छुटाने की, मैंने यही देखी कहीं ही नहीं। मुझे तो यहाँ पे भी नहीं है कि मेरे पास है, मैंने जमानत दी उसको रात को। तो ये पुलिस प्रशासन मात्र एक खाना पूर्ति करके उसको 151 में पाबंद करके और उसकी जमानत थाने ही मेरे कहा से गया नहीं गया, उसके लिए भी मैं उसके जो सीसी कैमरे उसकी भी जांच कराएंगे, उसकी थाने में मुलजिम की एंट्री हुई नहीं हुई। मुझे लगता है ये थाने के अंदर भी प्रवेश नहीं किया है, वही रजिस्टर वगैरह थाने वाले सारे के सारे उनको वहीं पे लेके आके सिग्नेचर वगैरह गाड़ी में करा लिए। तो इस तरह से ये इतनी सुविधा मुलजिम को मिलना, ये ऐसे नहीं होती है, इनके पीछे बहुत बड़े राजनेताओं का हाथ है, राजनेताओं के टेलीफोन चल रहे हैं, वो इस तरह से इनको बढ़ावा दे रहे हैं ये बीजेपी वाले, ये कतई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसको लेके मैंने अभी एसपी साहब से बात की, वहाँ ऑफिस आके डीडवाना और डीजी साहब से मैंने मोबाइल पे बात की, 15 मिनट तक सारी घटना बताई, उसका ऑडियो भेजा और सारे चैनलों के उसका रिकॉर्डिंग भेजा। अजमेर आईजी मैडम को सारी बात की, मैंने उनको वार्निंग दी, अगर राजेंद्र चौधरी को आप परसों शुक्रवार तक दोपहर तक अरेस्ट नहीं करते हो तो हम बड़ी स्केल के अंदर धरना प्रदर्शन करेंगे और मकराना का सबसे बड़ा धरना प्रदर्शन होगा। अगर आप अरेस्ट करते हो तो हम ये धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे। और ये स्थान हमने सर्व समाज की तरफ से धरना प्रदर्शन होगा, इसमें हर समाज के लोग भाग आएंगे, हिंदू मुसलमान जितने भी हमारे 36 कौम है, सभी 36 कौमों के लोग आएंगे। कोई भी बदमाश कोई जाति धर्म का हो, चाहे मुसलमान हो चाहे राजपूत हो या जाट हो, उसका कोई जाति नहीं होती है, उसका कोई धर्म नहीं होता है, वो मानवता के नाम से बहुत शर्मसार व्यक्ति है। और ऐसे व्यक्ति को अगर पुलिस पाबंद उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी तो ये व्यक्ति ऐसे आने वाले चुनाव में और भी कई लोगों को इस तरह से धमकियां देके जान से मारने की धमकी देके उनसे चोट वसूली भी कर सकते हैं। इसलिए मेरा पूरी मकराना विधानसभा की जनता से हाथ जोड़ के निवेदन है, जो इन लोगों ने मेरे साथ जो धमकी देके जो मतलब इनके हौसले बुलंद हो रहे हैं, और मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के कहता हूँ कि आप लोग ये मेरी धमकी मत समझना, ये मकराना विधानसभा के 36 कौमों को इस राजेंद्र चौधरी ने धमकी दी है, और आप लोग मेरी आवाज पे हमेशा हजारों हजारों तादाद के अंदर बता रहे हैं। रोजा के रमजान का महीना है, आप लोगों को तकलीफ भी होगी मैं समझता हूँ, लेकिन ये घटना मेरे साथ हुई है, ये आम आदमी 36 कौम के व्यक्ति के साथ किसी के साथ भी घटना हो सकती है। जब मेरे साथ घटना होने के बावजूद भी मकराना की पुलिस इसको लिपा पोती करके छोड़ रही है,
तो आम आदमी को तो ये उल्टा मुर्जी बढ़ा देंगे। इसलिए आप लोगों को हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट है मकराना की आवाम को, शुक्रवार को रोजे का दिन है, 2 बजे बाद के अंदर तिरह बाईपास तिरह भी इकट्ठा होना है और अपन एसडीएम कार्यालय पहुंच के इस पुलिस प्रशासन के खिलाफ ज्ञापन देंगे और धरना प्रदर्शन देंगे। और इस तरह से ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसको लेके मैंने हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है गोविंद सिंह जी डोडरा साहब और हमारे सब नेताओं से, जिले के नेताओं से भी बात कर ली है, वो जिले में सब बात करेंगे। और इसके अंदर आप लोग ध्यान रखना, ये पंद्रह तारीख को 2 बजे शुक्रवार बाईपास तिरह में पहुंचना है। पुलिस प्रशासन के विरोध के अंदर हम ज्ञापन देंगे, जिन्होंने 15 मिनट की फॉर्मेलिटी करके ऐसे मुलजिम को छोड़ा है। आप लोग सब पधारे, धन्यवाद। जब से बीजेपी सरकार बनी है, जब से लेके आज तक बीजेपी के कार्यकाल के अंदर बदमाश, गुंडे, माफिया सक्रिय होते जा रहे हैं और यहाँ तक हो गए कि जो एमएलए जनप्रतिनिधि चुन के जाता है, जो 3 लाख वोट लेके विधानसभा में पहुँचता है, एक ना कुछ आदमी विधेयक को धमकी देता है 11 तारीख को 10:53 पे। राजेंद्र चौधरी नाम से जो डीटवना का है, कुटोड़ी का रहने वाला है, धमकी देता है। जाकिर कौन बोल रहे हैं? जाकिर बोल रहे हो? मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं राजेंद्र चौधरी बोल रहा हूँ। तूने क्या रिचपाल मिर्जा के खिलाफ पोस्ट चढ़ाई है? उनके किससे बात कर रहा तू? ऐसे लेके उसने मेरे को मोबाइल के अंदर धमकी दी कि तू नागौर आना तेरे टांगे तोड़ देंगे, जान से मार देंगे, और बहुत ही बुरी बुरी गालियाँ निकाली। मैंने उसका बकवास करके फ़ोन काट दिया। मैं उसका ऑडियो भी मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैंने थाने में भी दिया है। इस बात को लेके मैंने वहाँ पे पुलिस थाने के अंदर रिपोर्ट दर्ज कराई। ये रिपोर्ट है थाने की, उसमें सारी बात बताई। इसके पहले भी 2 बार, एक बार चुनाव के 1 दिन पहले मेरे भी हमला हुआ, उन मुलजिमों को भी मेडिकल का बहाना लेके आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई गई। वो लोग भी इसी पद्धति के लोग थे जो निडर आम आदमी को मारना काटना, इनका कोई जाति धर्म नहीं थी इन लोगों की। तो ये इस तरह से ये एक एमएलए पे इस तरह से हरकत करते हैं, आम आदमी का या नागौर में या मकराने में रहना बहुत दुश्वार है। जब मैंने रिपोर्ट दर्ज कराई तो मैं आज धन्यवाद देता हूँ मकराना राजस्थान का मीडिया का। इन्होंने सभी चैनलों वालों ने, टीवी चैनलों ने, सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में ये सारी न्यूज़ें खूब चली कि जाकिर गेसावत को मारने की धमकी दी गई। उस पे प्रेशर में आके इन्होंने राजेंद्र चौधरी को रात को इन्होंने 11 बजे पकड़ के लेके आया सब सेटिंग से। और जैसे मुझे पता चला 11:15 बजे तहसीलदार जी के उन्होंने जमानत करवा ली और 151 के अंदर पाबंद करके उसको व्यक्ति को छोड़ दिया गया। मुझे ये पता नहीं था। मैं आज सुबह इसी मामले के लेके एसपी साहब और डीडवाड़ा कलेक्टर साहब पास मैं जा रहा था, तो मैंने मकराना सी एस एस